हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ठो सरफेस कंडेंसर का वैक्यूम और बैक प्रेशर का अंदर में क्या डिफरेंस है। यानी कि एक ठो कंडेंसर का वैक्यूम और बैक प्रेशर का अंदर में क्या डिफरेंस रहता है, यानी कि ये दो ठो टर्म यूज होता है, ये कैसे दोनों अलग अलग होते हैं। एक ठो कंडेंसर का वैक्यूम यानी कि गैस प्रेशर, यानी कि कंडेंसर में जो गैस लगा रहता है उस गैस प्रेशर को कहा जाता है, और कंडेंसर का बैक प्रेशर यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर। कंडेंसर का वैक्यूम यानी कि गैस प्रेशर, यानी कि कंडेंसर का अंदर में जो प्रेशर है उसको हम जो गेज में मेजर कर रहे हैं उसको कंडेंसर का वैक्यूम कहा जाता है, और जो एब्सोल्यूट प्रेशर है कंडेंसर में उसको कंडेंसर का बैक प्रेशर कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने इसको डिटेल्स में जानेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको आप ध्यान से समझिए कि कंडेंसर का वैक्यूम क्या है और कंडेंसर का बैक प्रेशर क्या है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर का जो फार्मूला है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैस प्रेशर, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो कंडेंसर का गैस प्रेशर है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये डिपेंड करता है उस लोकल एरिया का ऊपर, यानी कि जिस एरिया में वो कंडेंसर अवेलेबल है उस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि डिपेंड करता है मीन सी लेवल से कितना हाइट में है, तो उसको आपको जानना पड़ेगा। प्लस आपका जो गैस प्रेशर है कंडेंसर का उसको जानना पड़ेगा। ये दोनों जानने के बाद आप एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि कंडेंसर का बैक प्रेशर को आप निकाल पाएंगे। तो अभी हम लोग एक ठो एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि एक ठो कंडेंसर का बैक प्रेशर को कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है। तो मान लीजिए एक ठो एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना, 750 mm Hg, और कंडेंसर का जो वैक्यूम है वो है 684 mm Hg। तो कंडेंसर का जो बैक प्रेशर है, या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? फार्मूला में बताया था आपको एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकाला जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 mm Hg प्लस जो कंडेंसर का बैक प्रेशर है, जो कंडेंसर का वैक्यूम है, तो वैक्यूम जनरली नेगेटिव में रहता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस के बदले माइनस होगा,
तो 684। तो यहाँ पर कंडेंसर का जो वैक्यूम है ये -684 mmHg है। तो कितना आएगा इसका वैल्यू, 66 mmHg। यानी कि कंडेंसर का जो बैक प्रेशर है वो है 66 mmHg। यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर कंडेंसर में 66 mmHg है। एक तो कंडेंसर का बैक प्रेशर मेनली डिपेंड करता है कंडेंसर का वैक्यूम के ऊपर, इसीलिए जो कंडेंसर का बैक प्रेशर है, बैक प्रेशर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडेंसर वैक्यूम। यानी कि यदि आपका कंडेंसर का वैक्यूम बढ़ेगा तो बैक प्रेशर क्या होगा, घटेगा, कंडेंसर का बैक प्रेशर कम होगा। यदि कंडेंसर का वैक्यूम कम होगा यानी कि डाउन होगा तो कंडेंसर का जो बैक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो ये रिलेशन है एक तो कंडेंसर का वैक्यूम और कंडेंसर का बैक प्रेशर का अंदर में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको कंडेंसर का वैक्यूम और कंडेंसर का बैक प्रेशर का अंदर में जो रिलेशन है उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को नया आया है तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।